चेंबूर विधानसभा में बीजेपी को 2 सीटों पर सफलता हासिल हुई है। वार्ड 152 से आशाताई मराठे तो वहीं वार्ड 154 से महादेव शिवगन जीते हैं। इन दोनों ने चेंबूर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी, मुंबई बीजेपी प्रवक्ता जतिन गजरिया और चेंबूर बीजेपी अध्यक्ष राहुल वालंज से मुलाकात की। हमने जो पारदर्शिता का मुद्दा उठाया था और मुंबई महापालिका के कारोबार के बारे में ये कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका होनी चाहिए, महापालिका का कारोबार पारदर्शी होना चाहिए, जनता को उसमें अपना जो कहना है वो रखने का पूरा हक मिलना चाहिए और मुंबई की जनता ने हमें पूरा प्रतिसाद दिया है, तो अब ये हमारे लिए एक बंधन बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो मुद्दे हमने चलाए थे, जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के पास गए थे, उन मुद्दों पर काम करना और उन मुद्दों पर खरा उतरना, यह हमारी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के हमारे जो तीनों नगर सेवक चुनकर आए हैं वो आज कार्यालय में हमारे साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मौजूद है और जो वादे हमने कॉरपोरेशन के चुनाव में किए थे वो सारे वादे पूरे करने के लिए हमारे ये तीनों कॉरपोरेटर्स और हमारे सभी कार्यकर्ता आने वाले 5 साल भरसक मेहनत करेंगे। ये जो मुंबई की ऐतिहासिक जीत है उसका पूरा श्रेय जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और जो पूरी एक जो टीम वर्क लगा, जहां से हमारे कैंडिडेट हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे पदाधिकारी हो, एकजुट होकर जो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव में उतरी है तो इसमें जीत पक्की थी और यह जीत का श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को जाता है। आगे के 5 साल उसी तरह से काम होगा जैसे हमने वादा किया है, पारदर्शकता से ही काम होगा, हमारे प्रत्येक नगर सेवक पारदर्शकता से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि बीएमसी का कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से पारदर्शकता से हो सकता है। इस देश के पंतप्रधान मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने इतना काम किया हुआ है कि हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा, बस उन्होंने जो भी काम किया है वो हमने लोगों तक पहुँचाया और हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम थे कि मोदी जी और सीएम जी इन्हें दोनों ने जो काम किया है वो लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का काम इस हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। चेंबूर मंडल इतना सक्षम हो चुका है कि हर घर घर में मोदी जी को पहुंचाने का काम हमारे मंडल ने किया है, बस इन्हीं के मेहनत के वजह से यहाँ आज आपको 2 कैंडिडेट जीते हुए दिख रहे हैं। जिम्मेदारी तो लेना भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमेशा जिम्मेदारी ली हुई है, करके आज आप जो देख रहे प्रगति जो चल रही है महाराष्ट्र और मुंबई में वो जिम्मेदारी लेने के वजह से ही हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 कैंडिडेट हमारे जीत के आए हैं वो काम करने के लिए जीते हैं और आपको ये चेंबूर में पूरी प्रगति दिखाई देगी। उम्मीदवारों की इस जीत में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा, लेकिन यह कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस जीत की मुख्य वजह मानते रहे हैं। पहला तो मैं हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी, माधव भंडारी जी और सभी नेतागण, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पे विश्वास जताया, यहाँ से हमने लड़ने का मौका दिया और चेंबूर की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ उनकी कि उन्होंने हमारे नेताओं ने दिया हुआ विश्वास उन्होंने सार्थक कराया और हमें अच्छे बहुमतों से जिताया। हमने चुनाव में जाते वक्त कुछ वादे किए थे चेंबूर के विकास के बारे में, वो वादे तो पक्का पूरा करने का प्रयास करेंगे और जनता को शिकायत नहीं देंगे। पार्सल के बाद हमने जो चुना वो नगर सेवक या नगर सेविका हमारे कहने के मुताबिक चले, हमने हमारा मत बेकार नहीं गया, ऐसा तो पक्का उनको काम करा के दिखाएंगे हम लोग। हमारे आदरणीय पंतप्रधान साहब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमें सब ने बताया है कि हम पारदर्शकता करना चाहिए और हम जो भी काम करेंगे वो पारदर्शकता पे काम करेंगे और जिन्हें हमें सब ने भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता ने हमें वादा किया है कि हम पूरे चेंबूर में एक साथ लड़के पूरा 5 साल काम करेंगे और किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे और अगले 5 साल में भी हमको कमल ही खिलाना है, कायम हमारा कमल खिलाना है। तो अभी 152 वार्ड में जब कमल मिला है तो अभी पीछे हटने की बात ही नहीं, इसके लिए हम पूरी तरह से उन्हें काम करके दिखाना है और जो बोलते थे कि ये हमारा वार्ड है तो अभी उनको मालूम पड़ेगा ये बीजेपी का वार्ड है और हमेशा वो ही रहेगा, कमल खिलेगा। भाजपमधून मला उमेदवारी भेटली आहे, सर्वांच्या आशीर्वादाने मी निवडून आली आहे, भाजपचे मी धन्यवाद करते, आम्ही परिवर्तन घडून आणू, काम व्यवस्थित करू।
आगे जो हम पार्टी में पहला थे उससे भी अच्छा काम बीजेपी में आके हम करेंगे। मोदी जी का सपना है कि घर घर अच्छा काम होगा, परिवर्तन होगा। देवेंद्र जी ने भी बोला है कि जब जिसके विकास करना है तो विकास का काम करके हमें आगे बढ़ना है, कि परिवर्तन लाना है, पारदर्शी कारोबार हमें करना है, विकास लोगों का, गरीब लोग जनते का विकास करके, लोगों के क्या चाहिए स्टैंडर्ड वर्ग में, गरीब लोगों में जो जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे और अच्छा विकास करेंगे। एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह का प्रचार किया गया और अध्यक्षता के अंदर हम लोगों ने काम किया, ये उसका परिणाम है और आगे भी हम अच्छाई के साथ काम करते रहेंगे। बस तो ये कहूँगा कि जीत की उम्मीद नहीं है, ये जीत हम तो पहले ही चुके से कि जितनी भी, जैसे कि हमारे अभी राहुल वर्णन जी ने बताया है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई थी जो कि जनता के हित में थी और जनता को उसको पूरा पूरा लाभ हुआ। जनता के मन में कहीं तो ऐसा मन में था कि यार इस सरकार, जो जितनी भी सरकारें आती कुछ होता नहीं है, इतना सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी का जो मुद्दा था और पारदर्शिता लाने के लिए जो डिजिटल इंडिया लेकर के आए हैं, उससे एक उम्मीद जागी लोगों के बीच में कि अगर कोई कर सकता है इस देश में, न पहले था न कभी आने वाले समय में होगा, ऐसा प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है नरेंद्र मोदी जी। और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र के जितने भी गांव देखे सूखे पड़े थे, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, ये और अपने यहाँ पे सीसी कैमरा सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सीसी कैमरा उन्होंने पूरे मुंबई को लगाया, और जहाँ तक कि लोकल का आप देखें कि डबल डेकर से लोकल ट्रेन चलने वाली, ये सारी योजनाएँ जनता के हित में थी। और लोगों ने ये देखा कि जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी लगे थे और इसका सीधा फायदा जनता तक पहुंचा। और हमें ये उम्मीद पहले से थी कि भारतीय जनता पार्टी का जहां भी कमल लेकर के जो खड़ा होगा वो जीतेगा ही, उसकी जीत आपके सामने दिख रही है, आप देख रहे हैं। जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राहुल वाणी ने बता दिया था, जीत तो हम पहले हो चुके थे, सिर्फ मार्जिन देखनी थी कितनी थी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, जो उनकी पॉलिसीज आई है, वो हमने खाली सिर्फ लोगों के घर तक पहुंचाई है, उतना ही काम किया हमने। पब्लिक ने बाहर निकल के वोटिंग की और पॉजिटिव वोटिंग की। इसी मौके पर चेंबूर के एक बीजेपी कार्यकर्ता ललित सोलंकी का जन्मदिन का केक काटने के साथ साथ पेड़े बांटकर जीत का जश्न भी मनाया गया। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CEN News मुंबई।